इस चीज की ज्यादा खुशी होती है कि बाइक पाकिस्तान में, बनिस्बत इस बात की बाइक मेरे पास। खास तौर पे मुझे खुशी ये थी जब पाकिस्तान के अंदर ये बाइक आया, इट वाज द फर्स्ट बाइक इन पाकिस्तान और इवन साउथ एशिया के अंदर भी ये फर्स्ट बाइक था, तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मेरा नाम मोहम्मद ईशान शबीर है, मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। सुपर बाइक्स को चलाना, सुपर बाइक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाना, मोटो व्लॉग्स बनाना मेरी हॉबी है। H2R जी सब बाइकर्स का एक ड्रीम बाइक होता है। मुझे ये पता लगा कि कनाडा के अंदर एक कावासाकी H2R फॉर सेल है, मैंने ये बाइक इंपोर्ट करवाया और इट वाज लाइक अ ड्रीम केम ट्रू। जी कावासाकी H2R इस टाइम ऑन रिकॉर्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक है। ये टर्की के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 400 किलोमीटर पर आवर का ऑन अ क्लोज रोड। इसमें इंटरकूलर नहीं है तो इसको कांस्टेंट एयर इनटेक की ज़रूरत होती है, तो आप इसको रश आवर्स के अंदर और बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर नहीं चला सकते और एक कांस्टेंट स्पीड में आपने इसको चलाना होता है ताकि एयर का फ्लो अंदर जाता रहे और इंजन ठंडा रहे। तो हम प्रेफर करते हैं अर्ली मॉर्निंग राइड्स, अगर समर चल रहा है और अगर विंटर्स हैं तो आप फिर किसी भी टाइम राइड कर सकते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम शहर के अंदर और सिटी राइड्स ना करें। H2R जो है वो रोड लीगल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें लाइट नहीं होती, उसमें इंडिकेटर्स नहीं है, उसमें साइड मिरर्स नहीं है। अगर वो चीज़ें आप इंस्टॉल कर देते हैं तो वो रोड लीगल हो जाता है। हमने ये चीज़ें इंस्टॉल करके उसको लेकर आए थे। टैक्स पे करने के बाद जब बाइक यहाँ पर आ जाता है तो उसको चलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो देना चाहिए ना। आप इनको हाईवेज़ पे यहाँ पर चला सकते हैं, मोटरवे पे इधर चलाना अलाउ नहीं है, और जितनी ये बाकी जीटी रोड वगैरह है उधर तो आप चला ही नहीं सकते इस बाइक को। स्ट्रीट्स में भी आप ऑब्वियसली ये स्ट्रीट बाइक्स नहीं है, तो कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिधर लोग चलाएं, चलाकर इसको एंजॉय करें और हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम भी बनाएं इसमें। अगर हमें सिर्फ 5 किलोमीटर का भी एक ट्रैक दे दिया जाए तो इट्स मोर देन एनफ, क्योंकि बहुत लिमिटेड बाइक्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो सिर्फ लोग अगर ओवरऑल दुनिया में भी देखा जाए तो लोग इसे चलाने से ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए लेते हैं, अपनी कलेक्शन में खड़ा करने के लिए लेते हैं, तो एक कलेक्टर्स बाइक भी है। तो अगर हमें रोड नहीं भी मिलती तो बस हमारे पास भी है, तो हमें इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है। वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप छोटे बाइक से स्टार्ट करें, 150 सीसी से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद 200 सीसी पर आएँ, फिर उसके बाद 300, फिर 600, 1000 सीसी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, फौरन जंप ना करें 1000 सीसी के ऊपर। और हमें भी इसी तरह, हमने जब स्टार्ट किया था मैंने 600 सीसी से स्टार्ट किया था, फिर 1000 पे आए, फिर उसको चेंज करते रहे।